दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेलीग्राम की और जानेंगे टेलीग्राम की प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में। वैसे दोस्तों टेलीग्राम की ऑल सेटिंग्स के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो शेयर किया था जिसको आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने प्राइवेसी सेटिंग्स के साथ साथ ऑलमोस्ट सभी सेटिंग्स की जानकारी आपके साथ शेयर की थी, लेकिन आप में से ही मेरे कई फ्रेंड्स ने मुझसे कहा कि आप टेलीग्राम की प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाएं, इसलिए आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम की प्राइवेसी सेटिंग्स में जाने के लिए आपको टॉप लेफ्ट साइड में ये थ्री लाइंस पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है और सेटिंग्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप सेटिंग सेक्शन में ये ऑप्शन देख सकते हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने टॉप पे ही टेलीग्राम की प्राइवेसी सेटिंग्स आ जाएंगी। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको प्राइवेसी के अलावा अदर सेटिंग्स भी मिल जाएंगी, लेकिन हमें प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में वन बाय वन करके जानना है तो ऊपर से शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप ब्लॉक्ड यूजर्स का ये फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस पर क्लिक करके आप उन यूजर्स को देख सकते हैं जिनको आपने ब्लॉक किया होगा। जैसे कि मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया है तो इसलिए मुझे यहाँ पर ये ब्लैंक शो कर रहा है। अगर आप किसी को भी टेलीग्राम पर ब्लॉक करेंगे तो वो सभी यूजर्स आपको यहाँ पर शो होंगे। इसके साथ ही इस आइकन पर क्लिक करके आप अपनी फ्रेंड लिस्ट से किसी भी यूज़र को सिलेक्ट करेंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा, आपकी ब्लॉक लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है फ़ोन नंबर। तो गाइज इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हु कैन सी माई फ़ोन नंबर, यानी कि आपका फ़ोन नंबर कौन कौन देख सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट एवरीबडी सेलेक्ट रहता है, यानी कि पब्लिकली आपका फ़ोन कोई भी देख सकता है, चाहे वो आपका कॉन्टैक्ट हो या नहीं। इसके साथ ही आप यहां पर अलग से कोई एक्सेप्शन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बॉटम साइड में आप नेवर अलाउ का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके आप उन यूज़र्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनसे आप अपना फ़ोन नंबर छुपाना चाहते हैं, यानी कि एवरीबडी ऑप्शन में भी आप प्राइवेसी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप माई कॉन्टैक्ट के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे सिर्फ वही आपका फ़ोन नंबर देख पाएंगे, अदर यूज़र्स नहीं। इसमें भी आपको बॉटम साइड में एक्सेप्शंस ऐड करने के ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि ऑलवेज अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी से उन यूज़र्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनसे आप किसी भी कंडीशन में अपने फ़ोन नंबर को छुपाना नहीं चाहते हैं। यहीं पर आप नेवर अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी से उन यूज़र्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनसे आप अपना फ़ोन नंबर हाइड करना चाहते हैं, जिन्हें आप इस कंडीशन में अपना फ़ोन नंबर नहीं दिखाना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है नोबडी, तो इसको अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो कोई भी आपका फ़ोन नंबर नहीं देख पाएगा, चाहे वो आपकी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी में ऐड हो या नहीं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है हु कैन फाइंड मी बाय माय नंबर, यानी आपके फ़ोन नंबर के थ्रू कौन कौन आपको टेलीग्राम पर सर्च कर सकता है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एवरीवन सेलेक्ट रहता है, यानी कि हर कोई आपको सर्च कर सकता है आपके मोबाइल नंबर से, लेकिन अगर आप यहाँ पर माय कॉन्टैक्ट्स सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स ही आपको आपके मोबाइल नंबर के थ्रू सर्च कर पाएंगे, अदर यूजर्स नहीं। नोबडी ऑप्शन में भी दोस्तों आप एक्सेप्शंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलवेज अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी से उन यूजर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनसे आप अपना फ़ोन नंबर इस कंडीशन में भी हाइड नहीं करना चाहते हैं। फ़ोन नंबर के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है लास्ट सीन एंड ऑनलाइन, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने ऑनलाइन स्टेटस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एवरीबडी सेलेक्ट रहता है, यानी कि हर कोई आपका ऑनलाइन स्टेटस देख सकता है। एवरीबडी की कंडीशन में भी आप यहाँ पर एक्सेप्शंस ऐड कर सकते हैं। बॉटम साइड में नेवर शेयर विद के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी से उन यूज़र्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनको आप अपना लास्ट सीन या ऑनलाइन स्टेटस नहीं दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है माई कॉन्टैक्ट्स, तो इसको अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद जो आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे सिर्फ वही आपका लास्ट सीन देख पाएंगे, अदर यूजर्स नहीं। यहाँ पर भी आपको एक्सेप्शंस ऐड करने के ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि ऑलवेज शेयर विद या फिर नेवर शेयर विद। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस के थ्रू अपनी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी से यूज़र्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नोबडी के इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप पब्लिकली हर किसी से अपने ऑनलाइन स्टेटस को छुपा सकते हैं, अपना लास्ट सीन हाइड
कर सकते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आपको बॉटम साइड में ऑलवेज शेयर विद का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो इस पर क्लिक करके आप अपनी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी से उन यूजर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनको आप अपना ऑनलाइन स्टेटस या फिर लास्ट सीन शो करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोफाइल फोटो, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हु कैन सी माय प्रोफाइल फोटो, तो दोस्तों यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एवरीवन सिलेक्ट रहता है, यानी कि हर कोई आपकी प्रोफाइल फोटो को देख सकता है चाहे वो आपकी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी में ऐड हो या नहीं। इसके साथ ही यहाँ पर आप नेवर अलाउ का एक्सेप्शन भी अपनी प्रोफाइल फोटो के लिए ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स ही आपकी प्रोफाइल फ़ोटो देख पाएँ तो यहाँ पर आप माय कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपकी प्रोफाइल फ़ोटो आपके कॉन्टैक्ट्स के अलावा कोई अदर पर्सन नहीं देख पाएगा। यहाँ पर भी आप ऑलवेज अलाउ और नेवर अलाउ का एक्सेप्शंस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप फॉरवर्डेड मैसेजेस का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हु कैन ऐड अ लिंक टू माई अकाउंट वेन फॉरवर्डिंग माई मैसेजेस, तो दोस्तों टेलीग्राम पर कोई भी आपके मैसेज को फॉरवर्ड करता है तो आपका अकाउंट उस पर टैग होकर फॉरवर्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके मैसेज को कोई यूज़र अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड करता है तो उसके फ्रेंड के अकाउंट में उस मैसेज के ऊपर फॉरवर्डेड मैसेज फ्रॉम फिर आपका नाम इस तरह से शो होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी बाय डिफ़ॉल्ट एवरीबॉडी सिलेक्ट रहते हैं, यानी कि पब्लिकली हर कोई आपके मैसेज को फॉरवर्ड कर सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर माई कॉन्टैक्ट के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स ही आपके मैसेज को फॉरवर्ड कर पाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपके मैसेज को फॉरवर्ड ना कर पाए तो यहाँ पर आप नो बॉडी के इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद कोई भी आपके मैसेज को किसी को भी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों आप एक्सेप्शंस ऐड कर सकते हैं। ऊपर इन तीनों ही कंडीशंस में आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी से अलाउ और डिसअलाउ कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कॉल्स का, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हु कैन कॉल मी, यानी कि आपको कॉल कौन कर सकता है, ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर भी बाय डिफ़ॉल्ट एवरीबॉडी सिलेक्ट रहता है, यानी कि कोई भी आपको कॉल कर सकता है। अगर आप यहाँ पर माई कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स ही आपको कॉल कर पाएंगे, और अगर आप यहाँ पर नो बॉडी सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी आपको टेलीग्राम पर कॉल नहीं कर पाएगा। इन तीनों ही कंडीशंस में दोस्तों यहाँ पर भी आप एक्सेप्शंस ऐड कर सकते हैं और अपनी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी से किसी भी यूज़र को अलाउ और डिसअलाउ कर सकते हैं कॉल करने के लिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है यूज़ पीयर टू पीयर विद, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने किसी भी कॉन्टैक्ट से पीयर टू पीयर कनेक्शन बना सकते हैं, उसे वॉइस कॉल कर सकते हैं। दोस्तों पीयर टू पीयर कॉलिंग में किसी भी सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें आप अपने किसी भी फ्रेंड के आईपी एड्रेस के थ्रू उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अपने मोबाइल डिवाइस के अलावा आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से पीयर टू पीयर कॉलिंग कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है ग्रुप्स का, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आएगा हु कैन ऐड मी टू ग्रुप चैट्स, यानी कि कौन आपको टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर उसमें ऐड कर सकता है। यहाँ पर भी बाय डिफ़ॉल्ट एवरीबॉडी सेलेक्ट रहता है, यानी कि कोई भी ग्रुप बनाकर उसमें आपको ऐड कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स ही आपको ग्रुप बनाकर उसमें ऐड कर सकें तो यहाँ पर आप माय कॉन्टैक्ट के इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी दोस्तों आप इन दोनों ही कंडीशंस में एक्सेप्शंस ऐड कर सकते हैं, यानी कि अपनी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी से ऑलवेज अलाउ और नेवर अलाउ कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर टेलीग्राम की सभी प्राइवेसी सेटिंग्स कंप्लीट होती हैं। आई होप आप टेलीग्राम की प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में काफ़ी कुछ सीख गए होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।